सनातन हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश संगठन विस्तार कार्यक्रम 15 सितंबर 2024 को जिला फतेहपुर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ ठाकुर जी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। सनातन हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत महंत कलका पीठाधीश्वर जी के आज्ञा के अनुसार महंत संजय नाथ ठाकुर जी के प्रदेश अध्यक्ष अन्य जिलों में भ्रमण कर जगह जगह कार्यक्रम विस्तार उत्तर प्रदेश जिलों में चल रहा है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष संजय नाथ ठाकुर जी के आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष संतोष यादव जी, मंडल अध्यक्ष कानपुर अनुज शर्मा जी, कानपुर जिला अध्यक्ष सौरभ जी मौजूद रहे। फतेहपुर सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शर्मा जी कानपुर जिला अध्यक्ष सौरभ यादव उपस्थित रहे, जहां नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम स्थल फतेहपुर में प्रयागराज मंडल बाबा लखनदास कुटी नवस्था पे दिनांक 15 अगस्त 2024 को दिन मंगलवार को विस्तार कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। एक और फल निकाला जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ महाराज, हमारे उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिस प्रदेश को कभी गुंडे और माफिया का प्रदेश माना जाता था, आज उस प्रदेश की गिनती उत्तम प्रदेश में और पूरे विश्व के अंदर और खास करके पूरे भारत के अंदर कोई सबसे सुरक्षित अगर कोई प्रदेश है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जाता है। आज हमारे पास अवसर है कि हम लोग देखिए, आप लोग अगर इतनी बात नहीं सुन सकते शायद मेरा बोलना भी मंच की गरिमा का पदाधिकारी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इन बातों के लिए देखिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। संगठन जब गंभीरता से कोई बात चल रही है, कोई बात समझाए जा रही है, जो देश के लिए हम लोग आए हैं और जो देश पे अगर बात चल रही है तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि नए वक्ता को नए जो सुनने वाले हैं वो सुने ना सुने, लेकिन जो आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उस बात को ध्यान से सुने, उसका सिद्धांत करें, कभी हम आओ तो आप बोल सकें सभी लोग। ये नहीं कि मैंने अपनी बात कह दी तो अभी आप औरों को तो पार पढ़ा रहे हो कि बड़े मगर अपनी बात कह दी दूसरा बस कहें ना कहें। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज हमारे पास समय है कि हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सामने उनके उत्तर अधिकारियों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर ये चले गए तो मुझे नहीं लगता कि कभी पूर्व में आने वाले समय में ऐसा कोई संत आएगा जिसमें हम अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते। जहां तक आती है जात पात की बात, देखिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जो काम करते थे चप्पल काटने का, बिरादरी से लोग बाबू ने शूद्र कहते हैं, जबकि शूद्र और क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य ये किसी जात का प्रमाणी पत्र नहीं होते, ये केवल एक हमारे व्यवसाय हमारे कार्य हमारे कर्म है जो हमें इस चीज में श्रेणी में लाके खड़ा करते हैं कि